Natasha, you've sang jawab shikwa as well? Yes. I have sang Shikwa. 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 Wait, it's you? <laughs> That's her! Guys, Natasha make the jawab shikwa Jawab-e-Shikwa. You have to write this in the Oh my God, I have a road rage. You have to have road rage. You have to have I road rage. I haven't but driven uh, uh, here classic. yet. That's, That's good.

<laughs> अगर आप लोग का हो गया हो तो हम शुरू कर सकते <laughs> आप कौन किया? आपकी नती है बिल्कुल मज़ा नहीं आया बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast. This is your host Shavi Jaffri, and with us, the beautiful, the ever yellow with pink flowers on it, Miss Momenta Sundasaya. Everybody, give it up! Assalam-o-Alaikum, everybody. From the dental studio. Yay! Who's a dentist? Yes, and not a doctor. Too. Ha ha ha! Hasele sare, chalo. Acha, ab mask kutarden hum hasele. Ab bhool jaati hai ki ab podcast ke time ho gaye. Koi baat nahi, koi baat nahi. Ladies and gentlemen, with our co-host is sitting, the gorgeous Natasha Bay. Actually, wait, wait, wait! Come, bring you. the bring the camera back. Bring the camera back. I'm gonna do a proper introduction. What the hell? Hold on. We actually wrote it. We actually wrote it. Okay, here we go. Having already left an incredible mark with her previous releases, she continues to be a beacon of creativity and innovation. Her ability to seamlessly fuse traditional elements with music has made her name not only Famous in Pakistan, but also on international platforms. A remarkable single, single. A remarkable, <laughs> a remarkable singer. Famous as a daughter of Gilgit Baltistan, Miss Natasha Bay. Thank you, thank you. <laughs> I, didn't know that I a co co-host <laughs> <laughs> yeah. 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 And I'm the gets. सवाल पूछो आज अच्छा अच्छा पूछते कैसी कैसी हैं 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 आप आप कैसा जा जा रहा रहा आपका टाइम लाहौर में बहुत और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोनों के साथ बैठ की आई थिंक पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो बाहर लोग हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं oh, <laughs> <Yeah. you. laughs>

जो लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है ना कि आज शावीर यहाँ की बैठा हुआ है सुंदर वहां की बैठी हुई है और नताशा सुंदर की जगह बैठी हुई है आज मैं आप लोगों को बताता हूँ डायनामिक है क्या भाई जब भी कोई गेस्ट आता है हमारे पास तो आप लोगों को पता है कि सुंदरस हो जाती है चुप तो हमने आज सुंदरस को बनाया है शो का होस्ट आप देख सकते हैं कि जब वो वहां बैठी है जहां पे मैं बैठता हूँ मैं वहां बैठा हूँ जहां पे गेस्ट बैठता है और नताशा वहां पर बैठी है जहां पे सुंदरस बैठती है ताकि सुंदरस और नताशा आपस में एक

था कि हमने आज सुंदर्स को ड्यूटी दी है कि आज सुंदर्स पॉडकास्ट लीड करेगी तो हम ये देखना चाहते हैं एंड एक्चुअली अनफॉर्चूनेटली नताशा इज टुडेस गेस्ट एंड आल्सो अ गिनी पिक बिकॉज़ दिस इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय मी सुंदर्स इज अ होस्ट इन माय डिफेंस मुझे कन्वर्सेशन क्रिएट नहीं करनी आती बट व्हिच

एक तो सबसे पहले मैं आपसे जाते जाते शिकवा सुनूंगी जरूर क्योंकि मैं बहुत फैन अच्छा, जाते-जाते जाते-जाते क्यों क्यों आते-आते नहीं क्योंकि अभी तो वो जाते जाते ऐसे होगा ना कि फिर हमें एक टाइम चाहिए होगा उसको करने के लिए mm. क्योंकि वो बहुत बहुत क्रेजी है आपने रिसर्च Oh, bro, I can tell by that voice Say that Speak Say something <laughs>

<laughs> accent accent <bhi> <laughs> 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 yeah, yeah, okay. also <laughs> 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 actually i am obsessed with shikwa jabab e in fact thank you i would want to know more about the song now that i know that you sang it i i know the basics i know ke allah se allah किससे मुखातिब है क्या, क्या कह रहा, रहा है, है। किससे मुखातिब है लाइक इट इज सो फ्रेक एंड पावरफुल एंड आई लिसन टू इट ऑफ्टन मैं उसको काफी कोशिश करता हूँ कि उसको तब सुनू जब थोड़ा सा इंसान होता है ना जिसको रिमाइंडर चाहिए होता है yeah. तो थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंडर देने के लिए आई आई यूजली टेंट टू गो विथ शिकवा जवाब शिकवा इन सम अदर कवालीज सच एज तुम्हें घोरक धंधा हो hmm, and,

अच्छा पार्टनर कंटिन्यू और बेटा छोड़ना तो नहीं, नहीं आज तेरे को मैं, मैं जानना चाहती थी कि जर्नी आपके like आप, right? yeah, तो आप लिए like, तो नहीं होगा क्योंकि इट वाज सो नॉट ईजी क्योंकि हन्जा से कभी कोई लड़की उस तरह से आई नहीं और ऑब्वियसली वो एक ऐसा कल्चर है um, कि मैं कहूँगी कंजरवेटिव है भी और नहीं भी mm -hmm. नहीं इन द सेंस कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उस तरह से जिस तरह एजुकेशन को लेके होती है अक्सर बहुत सारे कल्चर्स में सो so, उस मामले में हन्जा या गिलगित बल्तिस्तान का सीन बहुत अच्छा है बट या द स्ट्रगल्स दर आई फेस आई काइंड ऑफ डोंट ब्लेम दैम क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे उनके क्योंकि वो आइडिया कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था देखा भी नहीं था कि एक लड़की मेन स्ट्रीम म्यूजिक करेगी हुँ, हुँ, हुँ. स्टेज पे परफॉर्म करेगी तो सोच के ही ना आई वो, था, था वो, वो एक आ, मतलब अगर मैं मैं आई बिलोंग टू वेरी मिडिल क्लास उस तरह कंजर्वेटिव फैमिली तो मैं भी अगर सोचू ना कि लड़की फिर म्यूजिकल <laughs> हाँ, सुंदस को तो अभी ख्याल है कुछ तीन चार महीने हुए मगरब के बाद इसको अलावा <laughs> है के बाहर रह सके पॉडकास्ट <laughs> yeah. कर रहे हैं पिछले चार सालों से लेकिन सुंदर का कट ऑफ टाइम मगरब का होता था मगरब के बाद छह बजे नहीं और सुंदस ऑफ और जल्दी हो रही है अंधेरा जल्दी हो रहा है

<laughs> <Achha> khair, anyways, <coughs> yeah, I'm nervous. Oh Toh, let it go. I'm a little nervous <laughs> right now. Khair, anyways, uh, I was, I was going to say that the only time I went to Hunza, I noticed that the people were very very lenient overall. Yeah. I've also noticed that uh, people love to... Uh, everybody is educated or at least most people that I know over there were educated and how do I know that? Ham log, I think I uh, think Altit Fort pe the, ya Baltit fort pe the? वहां पे हम लोग बालकनी में वॉक कर रहे थे और नीचे छत के ऊपर बच्चे वगैरह खड़े हुए थेगनाइज मी फ्रॉम रियली फार भाई देखो अपनी आप की प्रोमोशन करता रहता है किड्स ऑफ हंसा

आगा खान नेटवर्क uh, का बहुत काम है सो द क्रेडिट गोज टू ए के डी एन क्योंकि mm. उनकी वजह से वो एजुकेशन को फ़रोग है तो यू नो एवरी थिंग स्पेशली लाइक स्पीक इन इंग्लिश इट्स कितना था तो यही थारो मुझे भी नहीं नजर आया कोई क्राइम अच्छा वैसे तो मैं बहुत ज्यादा नहीं रही हूँ लेकिन आना जाना हुआ है लेकिन हाँ आप वहाँ सोच भी नहीं सकते कि कोई इस तरह क्राइम का सीन हो रिसेंटली भी एक चीज हुई थी एक मेरे सामने एक इंटरनेट की एक क्लिप गुजरी थी जिसमें एक hmm. लड़की ने कुछ नरेशन की हुई थी कोई बात कर रही थी वो वहीं की थी तो वो ये बात कह रही थी कि अब क्योंकि टूरिज़्म बढ़ गया है ना तो थिंग्स आर अ लिटिल hmm. शेक ही hmm. राइट hmm. ना हो ना क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है टूरिज्म hmm. तो वो ये बात जब कह रही थी कि हमने कभी नहीं देखा कि रस्ते में हम चल रहे और गाड़ी हम पे हुट करके हुटिंग करके जाए दिस हैज़ स्टार्टेड हैपनिंग बिकॉज यू नो आउटसाइडर्स आर कमिंग एंड वाला सीन

karachi is like a like a swing you know like a seesaw exactly. jata, exactly. jata, but oskido downs and now what was the depressing downs hai. Bilkul hai, bilkul Mere hai. Dost hai actually uh, i don't know if you know azlan from youtube yeah very well uh, he's a good very, friend yeah. very good guy right oskido's uh, other bee snatching thi. and uh, the guy mm -hmm. who was snatching his phone azlan was resisting oh. so he literally just pushed azlan uh, he hit

He needs to just say hello to somebody. Azlan we'll So, And then Azlan just oh, ran the other way. I gun didn't, lock ho I didn't know that. Lucky. Yeah, Azlan I mean, told us the story, and and I was like, dude, the fact that you're alive is because a gunman made a mistake. Yeah. In a way, like he he actually. मेस्ट अप उसकी गान अल्लाह मैंने बचा लिया तो ने तुम तो मौजा तो तो क्यों, हुआ क्योंकि उसकी पूरी है। इंटेंशन थी इमेजिन करो उसकी इंटेंशन हो आपको मारने की और कोई आपको मार ना पाए तो वो आपको अल्लाह ही बचा सकता राइट सो सो When I hear stories like these, I'm all मैं हमेशा कराची में मुझे नहीं लगता कि कराची में क्या हर जगह यहाँ पे भी याद नहीं तुम्हारे साथ लाहौर में भी इस तरह के हुए थे केसेज जब तुम अपने फ्रेंड के साथ थे कोई लोग आए थे और फोन लेके चले गए थे तुमने हाँ, स्टोरी डाली थी हमें है? या तुमने अभी हमें स्टोरी डाली थी फोन नहीं, डाली थी यार. <laughs> तो मुझे हाथ भी टूटा हुआ था मुझे बंदा हाँ भी जो है ना मेरा असल में प्रॉब्लम है हर जगह मैं हर इंटरव्यू में बात करती हूँ लोग मुझसे डरना शुरू हो जाएंगे बट आई दिस टेम्पर इशू तो आई डू आई विल नॉट थिंक अबाउट माई लाइफ आई विल नॉट थिंक इट थ्रू ठीक है कोई भी चीज और गुस्सा पहले आएगा

<laughs> <laughs> तो मुझे लगता है कि शायद खुदा ना खासदा मेरे साथ कभी ऐसा हो कि अच्छा मैं बड़ा ब्रैक करती हूँ पर अल्लाह का लाख शुक्र हो मेरे साथ कभी ऐसा जिंक्स ना हो बट मैं कराची में इतने साल बड़ी हुई वहाँ पे लेकिन मेरे साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ हालांकि मैंने खुल्लम खुल्ला फ़ोन यूज़ किया ऐसा भी नहीं कि मैं फ़ोन छुपाऊँ और मैं क्योंकि फिल्म स्टूडेंट थी तो मैं अपने रिक्शों में डी एस एल आर कैमराज और लैपटॉप्स ऐसे खुले खुल्लम खुल्ला लेके जाती थी तो बट मेरे मेरे घर में सब सबके साथ हुआ है सिर्फ मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है अभी तक आई थिंक हर बंदे ने अपना ये एक चीज सोची लेकिन मैं हमेशा रहती थी तैयार लड़ने के लिए तब भी मैं वो ही कह रही हूँ कि हाँ यू द लड़ाकू टाइप यू सीम लाइक द लड़ाकू लड़ाकू व्हाई डू आई सीम लाइक अ लड़ाकू टाइप आई डोंट नो इट्स इन योर वॉइस यू हैव अ वेरी डोमिनेंट वॉइस या द वॉइस और sound, अभी तो you अभी you पता है बैठी हुई है थोड़ी सी तो और ज्यादा इंटेंस हो गई है हाँ बैठी हुई है <laughs> मैंने भी ऐसे पूछा अभी है बैठी अभी बैठी हुई है हाँ तो इसीलिए और मजीद इंटेंस चल रही है हां तो मेरे हाई इस, इस वक्त हमें वगैरह नहीं मेरे, मेरे हाई इस वक्त कटे हुए हैं आवाज है हाईस कटे हुए हैं ठीक है ठीक लो ज्यादा चल रहे हैं यस यस नहीं दैट्स कट uh, हमारा खैर बैक टू हुंजा नहीं एक्चुअली मैं क्या बता रहा था तो हाँ एक सोड़ी, मैं सोड़ी, बता रही थी हाँ, चलो कि मैं क्या बात कह रही थी मैं तो चीज होती है।, है ना आई थिंक हर बंदे ने ना अपने दिमाग में एक सिचुएशन बनाई हुई होती है की मेरे सामने आए से हाँ यही वाला हालांकि बड़ी तो आप कभी कुछ लेकिन हाँ ये हो जा मतलब जैसे मैं ड्राइविंग

अप, गाली दे दो गाड़ी में किसी को उड़ाओ तो मत <laughs> मैं आई मैं नहीं नहीं थिंक नहीं उड़ाया <laughs> लाइक मतलब like, चलते 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 अगर मैं हल्की सी रेस अगर मैं ब्रेक ना मारू तो ये बेचारा मर जाएगा होता है ना कभी कभी यार ऐसा नहीं सोचती मैं बात करू फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइव करिए एकदम मोटरसाइकिल वाला बीच में आ गया अगर आप नहीं रोकेंगी तो Like he, his life is at your uh, right foot's mercy. Yeah. Imagine the power you have. Yeah. Imagine you don't do this. this. What yeah. happens? अच्छा आधी रात में अगर <laughs> मैं गाड़ी चला रही हूँ अगर रोड सुनसान है तो अगर अम्मी मेरे साथ है तो अम्मी को भी डर लगता है ना कोई बाइक वाला गुजरा को रेडी हूं फिक्र नहीं करना उड़ा के चली जाऊंगी अच्छा डिसीजन भी यही है आप अगर अकेले हो आपको छेड़ आ रहा है तो रोक रहा तो मुझे तो ये लगता है कि उड़ा दो Astakvilla, astakvilla, Snatchers' ki baat hui. I mean, in self defense, it's fair. It's fair. In self Koi defense, anything da? is fair. I'll tell you. I'll tell Smart you really funny story. Hai. So last week, something happened with me actually. Okay, what? So I went up from the lift. I was going to the office. Tha. So yeah, I went up from the lift to the fourth floor. Pe. As soon as. A, यार तू कितनी how मुझे लग रहा है हम तीनों एक दूसरे को अभी जाने अच्छी तरह <laughs> जगह वैसे है शावीर ने सही कहा था आपका गुस्सा थोड़ा सा बोरो करना था अगर हो सके आ रहा है मुझे लेकिन इजहार नहीं कर पा रहा। नहीं कर पाता ऑफिस और उसमें तुम लिफ्ट में जाते हो कौन सा ऑफिस है जिसके फ्लोर्स हैं

खैर है अच्छा खैर बहुत अनकंफर्टेबल कर मेरे हो यार नहीं अनबैलेंस हो जाएगा ये ये तो अच्छा यार मैं बहुत सीरियस बात सुनो लिफ्ट में जा रहा था जा रहा था ऑफिस जा रहा था मैं ही फोर्थ फ्लोर पे हूं लिफ्ट मेरी खुली है ना मैं बाहर आया हूं अब राइट साइड पे ऑफिस है लेफ्ट साइड पे ना लेफ्ट के साथ एक मास्क में बंदा खड़ा है क्या कर रहा था वो मास्क में और मास्क में मास्क खड़ा बंदा खड़ा था और उसके हाथ में है गन व्हाट या ओके okay. उसके नहीं? हाथ में है वाट यान प्रॉपर ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है मैं सारी सिक्योरिटी गार्ड ही हो एक टाइमलाइन है स्टोरी की ठीक है अब है गन उसके हाथ में मैं उसकी तरफ देख के थोड़ा सा पहले कंफ्यूज होता हूं फिर मैं नीचे देखता हूँ मैंने कहा अच्छा जी बस कहता है वॉलेट और मोबाइल निकालो मैंने कहा क्यों <laughs> <आयाला। laughs> कहता, कहता क्या मतलब क्यों निकालो ना सही है मैंने कहा कौन हो कौन तुम कौन हो सही उसने यहां तक बास पैरा हुआ मैंने कहा कौन हो तुम कौन हो कौन अच्छा मैं ना करते करते बात ऑफिस की तरफ स्मार्ट बन के वॉक करना शुरू हो गया तो वो आके मेरी दूसरी तरफ आ गया टू ब्लॉक मी माय रास्ता फॉर द ऑफिस कहता के अपना फोन और मोबाइल निकालो जल्दी जल्दी निकालो ना वो हाइपर वेंटिलेट करना शुरू हो गया थोड़ा सा हाइपर होना शुरू हो गया जल्दी जल्दी अच्छा चलो अपना फोन और ये निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो क्यों करके गन पकड़ के ना चक 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 छो करना शुरू हो गया hmm. मैंने कहा गंदे खाना जरा एक सेकेंड आई स्वर दिस इज रियल स्टोरी कहता क्यों 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 एंड आई पुशिंग हिम बैक टू द डोर नाउ आई स्टेड पुशिंग हिम बैक एंड देन ही स्टॉप्स मी एंड देन नाउ वी आर स्टैंडिंग ओवर देयर now in my head i'll tell you exactly what goes on, what was going on around in my head but before that let's say we took like a 5-10 second break mm -hmm. and then i started moving back towards the door because in my head in, in my gut feeling was he's not going to shoot and my it's not about my phone <clears throat> but i was like free? Mein ka ah, because i knew that filagi gun was fake so, hai, a type thing I I go to the office uh, towards the office door. closer. I'm pushing him back. Office ka darwaza hai, and they're laughing. Ha 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 prank go get prank go get prank. Oh my god. So I sat them down first of all. I was really, really nervous, right? I was I was shaking. I wasn't shaking because I was scared. I was shaking because I almost killed him. Oh. How did I kill him? He was leaning again. Oh, he, we were on the fourth floor. This guy was leaning against the stairs. Oh my god. That five second of break that I took, I had a flight or fight response and I calculated in my head I could either push him down uh -huh. and he's gonna fall straight through down four floors and become an omelet. Oh fuck. But I was scared that I don't know what self-defense laws in Pakistan are like. Yeah, but Because yeah, I can get in trouble for life. For killing somebody. Yeah, man. How would I prove?

ओह ओ मोमिन ओह अच्छा शायद शायद रिकॉर्ड करना <laughs> शुरू कर दे <हैं, laughs> एक मिनट सो हु डज <laughs> who, who who does pranks here? Who does? <laughs> Achha, Chani, I'll tell you. Hello. I'll tell you. In I don't. I don't. No, I promise no. <laughs> I've, I don't. I, I, I let used me. To. Okay. Let me. Explain. I don't do it. But let <laughs> me explain why oh, I'm saying idea. this. Because you know, people. I've seen some videos where people are doing pranks with animals and stuff like oh, that, huh. which is why I'm not a fan no, of I it. Who does pranks with dhi? animals? What kind animal of pranks? Yeah, or who honk uh, horn, move, be, and run away. Oh, that's disgusting. That's that's not funny at all. With animals, tall. I think who. स्केरी इस तरह हो जाते हैं कि ये वाली बात के आपका रिएक्शन पता नहीं पे क्या है ना exactly. और फिर उसके बाद बाद प्रैंक के की वो एक इतनी yes. अजीब चीज होती है कि mm. वो आप डरे हुए हो आपकी जान पे बात आई हुई है mm. और अब सारे हंस रहे हैं तो exactly. आप पहले एक तो डरे हुए हो और अब आपको गुस्सा हाँ. है तो आप दोनों टाइम रिएक्शन ही नहीं, नहीं दे सकते मारने वाला था Like in in stuff. so if if this was Canada नेडा आई सपोर्ट यूर दैट पर्सन बिन डेड बाय ना बिकॉज आई नो दिफेंस laws in Canada are strong enough mm. कि अगर आप किसी को self डिफेंस के अंदर उड़ा दो आप अपने को डिफेंड कर सकते defend हो कंट्री आपको लॉयर देती है आपको सपोर्ट mm. करती है आप वीडियो कैमरा लगा हुआ उसको पता है एक perpetrator के हाथ में gun थी mm. वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था इस बंदे ने उसको मार दिया सेल्फ डिफेंस में है इसका राइट बनता था mm. लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई पैसे दूसरी साइड से चल जाए यहां से कुछ हो जाए वहां से कुछ हो जाए आप सारी जिंदगी के लिए कोर्ट के चक्कर काटते रहो आप जेल चले जाओ दस आठ दस साल के लिए आई जस्ट डिट नो एंड आई जस्ट टुक द डिसीजन एंड माई हेड दैट नॉट ऑन द चार्ट आई कैन डू दैट सो आम जस्ट happens. And that's what ऑफिस डोर एंड सी though. Yeah या, yeah, I think most people would have actually done that. I think नहीं most नहीं people मतलब fight or flight response के अंदर यू मिल रहा है आगे वाले को किसी तरह भी खत्म करने का क्योंकि वो आप पे भारी आ रहा है वो आपको मारने पर आ रहा है तो फिर जाहिर सी बात है तो आप, है आप करोगे आप बिल्कुल घर में <laughs> <मेरे पास> <laughs> यही बात है की अगर आ। आ। कोई स्नैचिंग के लिए आ रहा है तो फिर आप इस तरह अच्छा हमारे साथ भी एक बार एक हुआ है मैं वैन में जाती थी ना यूनिवर्सिटी तो उसी तरह था की उस दिन लड़कियाँ बहुत कम थी वैन में तो मैं ऐसे ही आगे बैठ गई थी मुझे वैसे आगे बैठने का ज्यादा शौक था मतलब ड्राइवर के बराबर वाली सीट पे क्योंकि

सुच्छा। so, सुच्छा। हाँ तो यही हुआ था कि मैं वैन में थी तो अब वहां पे इस तरह की भी लोग यूज करते हैं लोग के आ, अचानक से तो बाइक वाले मेरी तरफ गंदी इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं मेरे ड्राइवर को ठीक है कि मतलब रोक रोक एज के हमने उस, कुछ किया होगा वैन वाले ने रोक रोक इतनी गंदी गालियां दे रहे थे मेरे बराबर में ही थे मुझे लग रहा था मुझे खींच के निकाल देंगे बाहर वो वाला सीन

मैंने गाड़ी को ओवरटेक कर लिया ये रोड रेज की ही hmm. बात है कि मैंने गाड़ी को ओवरटेक कर लिया वो मेरे आगे से नहीं हट रही थी फिर मैंने उसके जाके आगे खड़ी कर ली और मैं नहीं हटना शुरू हुई वो मुझे लाइटें मारती रही मारती रही मारती रही मारती रही और मैं भी नहीं हटी मैंने कहा जब मैं तुम्हें लाइटें मार रही थी तुम फास्ट लेन में चल रही थी तो लाइक अब क्यों अब गुस्सा आता है फास्ट लेन में जब लोगों को बहुत ठंड होती है बहुत ठंड होती है आगे गाड़ी नहीं आपके लेकिन बहुत ठंडे आपको, हाँ, आपको पता है कि यहाँ पे लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो गलत क्या कर रहे हैं मसला सारा ये हाँ, है ना कि है। मतलब वो फास्ट लेन में ऐसा चलाएंगे और अगर आप उनको हाई भी मारोगे हॉर्न मारोगे तो वो आपको ऐसे ही देखेंगे हॉन मारे मुझे टेंशन हो जाती है

यहाँ पे लोगों का मसला है उनको पता ही नहीं चलता कि वो गलत क्या कर रहे हैं क्योंकि वो ठंड में है <laughs> क्योंकि <laughs> <laughs> क्योंकि वो एक बंदे ने गाड़ी चलानी सीखी होती है फिर वो पूरे पूरे घर को गाड़ी हाँ। चलाना सिखा देता है और फिर उनको पता होता है कि अच्छा कभी लाइसेंस मांगेंगे तो आपने क्या करना है या क्या कहना है क्या सारी चीज है ना तो मैंने उसको खैर साइड पे करने की कोशिश की वो नहीं हुआ नहीं हुई औरत और वो ना मैंने फिर उसके आगे जाके कर ली तो फिर उसने मुझे लाइटें मारनी शुरू की फिर जब उसने मुझे साइड से ओवरटेक करना शुरू किया ना मैंने कहा चलो इक्वल हो गया ना आगे जाके वो मुझे फॉलो करती रही 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 करती रही, रही फिर मैंने उसको बहुत देर घुमाया 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 फिर जब मेरा कर्फ्यू का टाइम खत्म हो रहा था <laughs> <laughs> मैंने को तो बहुत कॉल करेंगे रोड जाए में भाई अच्छा मैं उसको घुमाती रही एकदम से ना मैंने स्पीड तेज की अपनी और ना मैं मेन रोड पर आ गई ओके एकदम से मेरे साइड पे आके वो गाड़ी रुकी है और ना अब ड्राइवर की जगह ना जो औरत चला रही थी ना वो उसका शोहर था Oh, उन्होंने so उन्हों में, हाँ उन्होंने रास्ते में जगह चेंज की है क्योंकि उस लड़की से सही तरह फॉलो नहीं हो रहा था विचारी बहुत आहिस्ता हाँ. आहिस्ता से कर रही थी अंकल ने स्विच जगह स्विच किए उसके हाँ. साथ और अंकल आए मेरी गाड़ी उन्होंने आगे रोकी है अच्छा और उनका तुम उनका तुम तरीका देखो कि उस बंदे ने गाड़ी रोकी और मैंने सोचा कि अच्छा ये गाड़ी रोकता है ना तो मैं जैसे ये उतरेगा ना गुस्से में तो मैं साइड से निकाल लूंगी अंकल ने गाड़ी रोकी है और अंकल ने बिल्कुल रिवर्स किए बम्पर टू बम्पर कि मैं भाग ही ना oh सकूँ ना और वो मेन रोड थी कि मैं रिवर्स भी करती तो मैं कहा हुआ हाँ. और, और, क्या क्या और मैंने उनको किया टांगे मेरे हाथ पाओ सुन हो गए थे ना और टांगे मेरी काम और मैं उनको कह रही हूं यहां नहीं चले मैंने उनको ऐसे शो कराया मैंने उनको ऐसे शो कराया कि एक्सक्यूज मी आप पागल हैं आप क्या हरकत हाँ, कर रहे हैं मैंने उसको कहा देस देस तो बेस्ट मैक्यूएनिज्म यू कैन और उसको बहुत गुस्सा है और मैंने बहुत मानसूल किया तो मैंने ना बिल्कुल ऐसे करके कामते हुए तो सिर्फ वर्ल्ड गए <laughs>

क्या आप ये जाएगा लड़ेगा फिर थोड़ी देर बाद आके के बैठ जाएगा तो मैंने फुल करके निकाल से But... <laughs> really हाँ, I mean, तो you दिलावर गाड़ी रोक <laughs> और फिर आप <laughs> दिलावर गाड़ी रोक तेरे से नहीं हो रहा मुझे गुस्सा नहीं निकल रहा ना अब वो पीछे आए अब वो पीछे किस तरह है यानी कि वो छलांग मार किया है अंकल ने, ने, ने कितनी प्लानिंग की होगी में जाके सामने रोकूंगी अंकल का गुस्सा निकल ही नहीं रहा था ना उनकी बीवी से सो डिड यू चला तू लेफ्ट कर फिर उनसे होगा कि मेरा गुस्सा नहीं निकल रहा मुझे मुझे गाड़ी दो <laughs> उन्होंने गाड़ी ली होगी तू मुझे गाड़ी दे <laughs> तो उन्होंने गाड़ी ली होगी और फिर उन्होंने जाके आगे रोका होगा और उन्होंने फॉलो किया होगा ना प्रॉपर के अच्छा यहाँ so

बट विद टाइम मुझे अब होता है कि मैं अपने आपको भी समझा रही होती हूँ देखो यहाँ तुम्हारी गलती है तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई मैंने गलती कर ली तो बहुत से लोग गलती करके चढ़ते हैं हाँ, लेकिन मैं, मैं, तो मैं और मैंने सोरी. ये भी देखा अगर अपनी गलती मान लो ना आगे वाला ठंडा हो जाता बिल्कुल है बहुत है। बार ऐसा मैंने कोई गलती की है और मैं वहीं से इशारा सॉरी तो गुस्से में होता है है तो तो आप मान लो अपनी गलती हाँ, गलती की है तो। मुझे याद है कि मैं 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 एक दफा सॉरी तुम्हारी स्टोरी रह गई कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल अपने घर के पास पहुंच गई हाँ, और एक बंदे ने मुझे गाड़ी ड्राइवर था और हाँ, पीछे उसकी मेम मैडम बैठी हुई थी उसने मुझे मुझे मारी और बजाय इसके लग जाती है कोई मसला हाँ। नहीं है ट्रैफिक है फंसी भी है तुमने इनको लगता तो yeah. है औरत चला exactly. रही है, तो, है, कि औरत चला रही है तो, इसको तो इसने तो, इसको तो आती नहीं है ना और इसको हम क्या सॉरी करें डोंट इवन गेट मी स्टार्ट तो मैं उसके पीछे तक गई हूँ और हालांकि मेरा घर में अपना क्रॉस करके जा रही हूँ मैं उसके पीछे तक गई हूँ सॉरी बोलना आता है या exactly. नहीं है? मतलब, so, मतलब गलती मानने में क्या जाता है यार लेकिन लोग हैं चोरी पे सीना जोरी चोरी पे सीना, सीना, सीना। जोरी बिल्कुल सही बात सही है, <laughs> है। <laughs> Now you say something. <laughs> हाँ, uh -huh. Hello guys, guys how are you guys doing? You wanted this. <laughs> you wanted this, this, yeah. <laughs> no, not true. क्या? On? तुम कुछ बताने लगे थे अपना अच्छा हाँ यार मैं कहने लगा था कि uh, मेरे साथ भी एक रोड रेज वाला इंसिडेंट हुआ था इंसिडेंट हुआ था अभी बिल्कुल रिसेंटली आई थिंक आयशान आई वर गोइंग शॉपिंग सही है सो वी वेंट टू गुलबर्ग और गुलबर्ग के अंदर पूरे रास्ते में इतना गुस्सा चढ़ रहा है कहीं पे ट्रैफिक ब्लॉक हुई भी है गुलबर्ग पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है कहीं पे कुछ ब्रिज बन रहा है कहीं पे कुछ हो रहा है सो आई वाज रियली लाइक आई वाज नॉट फीलिंग एट दैट डे ना एंड यू नो व्हेन यू सेव अ कपल ऑफ लाइव्स तो एक दिल में थोड़ा दिल भारी हो जाता है ना जाहिर सी बात है एक बंदा मरने आ रहा है उसको मरने दो आप ब्रेक लगा रहे क्यों आप ब्रेक तो लगा के उसको सेफ कह रहे हो राइट सो so, खैर मैं बहुत ज्यादा ना भरा हुआ था अंदर से तो मैं <laughs> स्टोर के बाहर गया बिल्कुल सामने ये स्टोर आ गया ना हमारे गुलबर्ग के अंदर जहाँ पे हमने शॉप करना था तो ड्रॉप ऑफ लेन के ड्रॉप ऑफ लेन नहीं वो डबल रोड है ना अंदर पार्किंग है तो उसने इस साइड वाली रोड के ऊपर गाड़ी पार्क की हुई है और वो बैठा हुआ है ये यूं पैर रखे तो ये जो, जो, ये वाला, जो वाला सीन है ना ये वाला जो फुल पैर रखे हाँ। और वो फैला के ना फुल वो बैठे हुए अंदर और मुझे नजर आ रहे हैं मुझे पीछे वाली जो क्रॉस बैठते हैं हाँ दो विंडोज के अंदर से नजर आ रहा है ठंड ठंड में में होते हैं यानी कि वो मैंने गाड़ी लगा दी तू अपना कर लिया भाई अब आ, मैं उसके पीछे गया पहले तो मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट हेडलाइट मारी कि हॉर्न नहीं देते इस तरह किसी को वो कहीं यूं से यूं ना ना हो जाए उसका कुछ और ना हो जाए मसला तो मैंने हेडलाइट मारी अब वो नहीं हिला फिर मैंने हॉर्न मारा थोड़ी देर बाद फिर भी वो नहीं हिला फिर मैंने एक और हॉर्न मारा नहीं वो यार। फिर भी नहीं हिला फिर मैंने पाँच छः सेकेंड रखा वो

जब उसने अपनी विंडो लोअर की उस वक्त तक उसकी फट चुकी हुई थी hmm. और मैंने उसको देख के उस वक्त लाइक like उसकी शक्ल देख के मुझे हुआ कि यार इस, अब मैं क्या लाइक like, डांटूं क्या 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 कहूं आई वॉज नोटेड इन माई सेल्फ आई वॉज मोर डिस इन मी देन हेम बिकॉज फॉर हेम इट प्रोबेबली इज लाइक अ नॉर्मल थिंग राइट उसको इतना रूल्स रेगुलिस इसका नहीं पता सही है और, नहीं और, नहीं। और मुझे अपने आप पे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि मुझे गुस्सा क्यों जोड़ा इस बात पे मैं क्यों रिएक्ट मैं क्यों ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ लेकिन साला वो था गलत जो बात हाँ, है।, है ऐसे मामले में आप फिर दुआ करें कि अल्लाह सलात करने हिदायत वाली ठंड दे क्योंकि मुझे तो समझ समझ नहीं आती है कहीं पे भी, भी गाड़ी रोक देते हैं और पीछे पूरा ट्रैफिक आ जाता है मुझे तो मैं अगर कहीं पे अगर मम्मा को ड्रॉप करना और मुझे निकलना जल्दी उतरो जल्दी उतरो पीछे हॉर्न बज रहे हैं

लेकिन ये एक वही चीज है जिसपे मैं इस तरह होती हूँ हम पागल लाइन में खड़े में हमारा भी सिग्नल exactly. <स्थाथ> exactly. हाँ दिल में हाँ अगर कोई साथ बैठा हुआ तो ड्राइविंग के वक्त आप लोग मेरे साथ ना बैठे तो अच्छी बात है पूरी औकात बाहर आ चुकी है किस तरह इनिशियली <laughs> बहुत बर्दाश्त किया लेकिन फिर ड्राइविंग में हो जाता <laughs> है ठीक है आप बिल्कुल यू लूज एवरी थिंग न तो अम्मी ने फिर बोलना शुरू किया ये क्या तुमने मरदाना गालियाँ देना शुरू कर दी अच्छा मम्मा अगर ये कहती ना कि गालियां देना शुरू की तो मैं सुनती, म, मैं सुनती मेरी और गुस्सा हो गई <laughs> मर्दाना गाली क्या होती है <laughs> उसमें भी हो हो रहे हो आप लोग कि के, यानी के मर्द दे सकता है और हाँ, और मैं और ये मर्द वाली गाली है तो ये तुम नहीं दे हाँ, सो so she like, तो लाइक मर्दाना गालियां <laughs> एक दफा नहीं उ, पिछले साल की बात है मेरा दोस्त एक जर्मनी से आया हम लोग तीन चार हम लोग पांच बेस्ट friends हैं हम लोग जब साथ बैठते हैं ना हम सिर्फ गालियों में बातें करते हैं आई थिंक सारे लड़के इसी तरह करते हैं अब प्रोबेबली लड़कियां भी इसी तरह करती होंगी मैं हम लोग लड़कियों में उस तरह खैर एनी तो <coughs> हम लोग बैठे हुए और हम लोग गाड़ी में बैठे हुए और आ, कोई ना हम लोग गैस स्टेशन पे थे ठीक है मैं गाली देने लगा प्लीज़ म्यूट कर देना नहीं तुम तो कान बंद ना करो फोर्टी मिनट्स पे <laughs> तुम तो 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 म्यूट कर देना ठीक तो तो है

अच्छा मेरी बात सुनो अच्छा जो माइक उठा के कहते हो हम लोग हम लोग ना खैर गैस स्टेशन में खड़े हुए थे वो अंदर कुछ लेने गया तो वो एक चीज लेकर आया दूसरी चीज नहीं लेकर आया ठीक है बेसिकली वो सिगरेट लेकर आया लाइटर नहीं लेकर आया ठीक है <laughs> उसको मेरे दूसरे दोस्त ने कहा उसको मेरे दूसरे दोस्त ने कहा ओ <laughs>

<laughs> so this is नहीं हमारा डिफरेंट है ना हमारी अलग वेरिएशन है हमारी खाली हमारी कराची वेरिएंट हूँ ना मैं ना, हमारी है सिंपल हमारे आप तो आगे यार, यार लेकिन बहुत मजा, आप यार, बहुत मजा आता है मूवी में, में यार, यार बहुत मजा आता है इतनी ब्रो दिल, दिल में यानी कि शायद कह कराची वालों की गालियां ये ये एक्चुअली कराची गाली है

<laughs> <even> know, <laughs> एक है ना? हाँ, तो, हम ने पहले तो तीन चार दिन ना बहुत इंजॉय किया इस गाली में यानी जो मिलता उसको है, 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 है सबको हाँ, ना हम लोग बात कर रहे हैं ना फुल अब उसके बाद हम गए बैठे कॉफी पे एक दिन ठीक है अब हम कॉफी में बैठे हुए और वहां पे हम चार बॉयज बैठे हुए और हमारे ना उधर करके पीछे कुछ और बॉयज बैठे हुए तो बीच में कोई इस तरह की बात तो वो एक दोस्त दूसरे दोस्त पीछे से चार यूं घूमे भाई भाई क्या क्या गाली है भाँ, भाँ, अरे भाई, क्या ये पर पर वो हंस रहे कुत्तों की तरह अब वो उनका शुरू हो गया अब वो कह रहे यार, यार ये ऐसी क्या गाली है पहली बार सुन के ऐसी थी और ये लेकिन यार मजा आता है Or mazai. Game a next time try वो... that. Ah, DK. Ah, DK. You will love it. I I, I am already <laughs> Good loving it. But i'm not get it. That's <laughs> a yeah. <laughs> Now you see why my mom says that. Yeah, yeah, your mom is actually not wrong. <laughs> <laughs> या। I, I, I break वो बहुत to परेशान। <laughs> भाई ये बहुत गाली है है गाली जो बात यानी मैं, मैं मुझे चढ़ा दो सूली पे लेकिन ये गाली जो है ना ये हाँ, की है, है, यानी के ये ये नेक्स्ट लेवल है, है. गुड यार तो इस तरह की और भी बहुत पॉडकास्ट करनी चाहिए यार गालियों पे पता नहीं फिर लोगों को अच्छी लगेगी हमारे हमारे कल्चर में एक सेकेंड गालियाँ लोग बट uh, गालियां जो होती हैं वो इंग्लिश में ठीक लगती हैं? मैं वही कहने तो वाली थी कि इंग्लिश में English बहुत uh, कुछ फर्क नहीं पड़ता हाँ। हाँ। मैं दे दो अल्लाह। उ देखे लह लह आपने उसमें विजय राज के पता है विजयराज विजयराज नाम सुना है मैंने विजयराज अबे कव्वा बिरयानी खिला दी विजयराज विजयराज येजेंडरी इंडिया सो हेम एंड वो

लाइक वेन एवर वी ही कल्चर अगर आप दोस्तों के साथ तो इट्स मोस्ट नॉर्मल थिंग इन फैक्ट इफ इट डेपन यू फील ऑड बट वेन यू आर विद योर पेरेंट्स भी बड़े के सामने हो या लड़के लड़कियों के सामने गलत हो गया ये गलत हो गया सो यूर ऑलवेज अपोक्रेट इंसान है इन अ वे स्पेसिफिकली आस मोर सो दे रियलाइज

बेबी फीड की जाती हाँ, है हाँ, बिल्कुल और ये साइकोलॉजिकली होता है ये आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है, ये आपके साथ हो रहा है एंड यू रियलाइज इट व्हेन इट्स टू लेट बिकॉज़ समबडी एल्स कॉल्स यू अ हिपोक्रेट एंड यू गो लाइक आई एम नॉट अ हिपोक्रेट बिकॉज़ आई थिंक आई एम अ गुड गाय

बहुत सारे लोग मैल न्यूट्रिशन से मरते हैं पाकिस्तान इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड लेफ्ट विद स्टंटेड ग्रोथ तुम्हारा खाना साफ नहीं है तुम्हारा दूध साफ नहीं है तुम्हारा पीने वाला पानी साफ नहीं है जिसकी वजह से बच्चों की बोन्स डेवलप नहीं हो पा रही हाँ। वो सारी हिपोक्रेसी की वजह से दोगलेपन की वजह से इन अ वे क्योंकि आप छोटे चोरों को जो तो खान दे बोलते दे थे फेमसली कि आप छोटे चोरों को जेल में डालते हो और अगर कोई बहुत बड़ी चोरी करे तो उसको बड़ा सा देते हो साहदा मिल जाता है सही है सो

क्रेजी कि आई वॉन्ट टू हेल्प एवरी एनिमल आई एम आई फील लाइक अदर टू एवरी सिंगल एनिमल बट एट द सेम टाइम आई एम कंज्यूमिंग एनिमल्स ठीक है दिस इज़ द थिंग दर आई हेट बट द प्रॉब इज़ कि ये ऐसा नहीं है कि आप अगर इस सिस्टम को सोचो गौर करके कि मैं खा रही हूँ लेकिन मैं हेल्प कर रही हूँ पर यह भी नहीं है कि आप कम्प्लीटली खाना रोक सकते हो क्योंकि एक अल्लाह का निज़ाम है hmm. तो मैं अपना आपको क्या समझा रही होती हूँ कि देखो वट आई कैन डू एस कि देखो अल्लाह का निज़ाम तो है एक जो अल्लाह ने दिया है लेकिन फिर मुझे समझ आई कि जैसे वीगन जो हैं जो मोस्टली लर्ड हैं इस चीज़ के लिए काफ़ी लोग उनको हिपोक्रिट बोल रहे होते हैं पर मुझे लगता है उनका बड़ा कॉज यही है कि जो इंडस्ट्रियलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ uh, uh, एनिमल्स ठीक है जहाँ पे एनिमल <laughs> का बहुत हो रहा है <laughs> क्योंकि मास प्रोडक्शन की वजह से आई थिंक उस चीज को हम अगर देखें तो ऑब्वियसली ये क्रूलिटी वहां तक जाती है तो बहुत जगह मुझे भी हो रहा होता है कि am i hypocrite because i'm helping animals but then at the same time i'm from an, an animal's point of view you're from a chicken's point of view you're a hypocrite we are all hypocrites. and you know what i'll tell you my hypocrisy i will never eat any animal jo mere samne kata but बट hmm. अगर दुकान में पड़ा हुआ है ना मतलब कितने लोग मुझे कहते हैं फिशिंग पे चलोगी मैं कहती हूँ मैं पागल हूँ मछली को मार के खाऊंगी

अगर जीब्रा uh, शेर नहीं मारता उसको तो उसका दूसरा कंपीटिंग मेल जीब्रा मारता है क्योंकि उनकी लिटरली बैटल टिल mm. डेथ होती है ठीक है सेम थिंग विद बफलोज सेम थिंग विद रायनोज सेम थिंग विद वेल्स सेम थिंग विद सो मेनी अदर एनिमल्स इन द वर्ल्ड दैट दे आइदर डाई बींग द डोमिनेंट वन और जस्ट डाई फॉर फूड परपज फॉर अदर एनिमल्स लिटरली सो यू एंड द फूड चेन इवन इफ यू एक्चुअली डिसाइड टू दैट दै यूर वीगन एंड योर ओनली कंज्यूम प्लान डाइट्स वेल द मॉडर्न साइंस स्टडी एक्चुअली Uh, claims that uh, the uh plants can breathe. Obviously, we know that they breathe. They, yeah, they we do exhale oxygen, <clears throat> right? They inhale carbon dioxide. They're living Lithical. creatures. Mm. They do feel pain. Mm. It's not possible that one thing is Because as far as we understand mm. nerves and emotions and overall consciousness, mm. we do understand <clears throat> that any conscious being actually dies with some sort of a pain attached. Yeah. So, eventually, right? you know what I... से टू पीपल इट माइट साउंड रिडिक्यूल्स पर मुझे होता है कि देखो एक निज़ाम है बट आई थिंक इट्स बेटर कि आप जैसे मैं अगर कोई चिकन खा भी रही हूं ना तो एक एथिक्स पीछे से चल रही होती है कि मे बी आई थैंकफुल हाँ एक एहसास आई थिंक वो एहसास होना जरूरी है यू शुड थैंकफुल टू योर फूड यू शुड रिस्पेक्ट यूर फूड Sure. Than because, you know, हम लोग बहुत खाते हैं hmm. हम अगर माइंडफुल होकर चीजें खाए ना तो शायद ये उस तरह से ना हो। हो ही सी ले रहा है तो hmm. दोबारा hmm. बार बार खाने का दिल नहीं करेगा फिर आप उसको कभी कबार खाओगे ये मैं मीट और चिकन की बात बहुत अचीव सी बात की है

Mm. So, वो किस मजबूरी में ली है वो भी पता है लेकिन यू शुड फील अ लिटल फॉर देट लाइफ सो यादा सर फेयर पॉइंट

जरूरी आई थिंक हम लोगों ने उसको पहले कि कोई मुझे बोले कि ये जानवर की बात कर रही है खाती भी जानवर इस तरह के कॉमेंट्स आते हैं तो इस तरह के स्टूपिड कॉमेंट्स आ रहे होते हैं तो मुझे होता है की दे डज नॉट मीन की अगर मैं कोई जानवर खा रही हूँ तो मैं मॉन्स्टर हूँ और मैं चलते फिरते हैं

जो खराब सब्जियाँ होती थी, थी वो हम लोग लेकर आते थे वापस और उसको एक बिन में डालते थे एंड में ना दो बिन जाते थे इतने बड़े लाइक दे व लाइक आई वुड से फोर फीट गहरे एंड अबाउट सिक्स फीट वाइड लाइक ह्यूज बिन्स ऑफ जस्ट प्योर बादाम कैशू ग्रेप्स लाइक ऑल ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स ना उसमें से हम अक्सर खा भी लेते थे बीच में से थोड़े थोड़े तो खैर वो हम लेकर जाते थे और उसको प्रोड्यूस सेक्शन में आप डालते थे उनकी बल्क पकेट्स अलग होती थी फिर वो प्रोड्यूस सेक्शन जो था वो एक स्पेशल कहीं पे जाता था रिफ़ाइनरी के अंदर फर्टिलिटी जो भी जगह है वहाँ पे जाके वो उसकी खाद बनती है और वो फिर वापस आ, लैंड के अंदर जाता, जाता है।, है और फिर इट एक्चुअली एंड विद इट्स केमिकल्स एंड देन नए फूल पौधे वहाँ से निकलते हैं दैट इज़ बिकॉज के खाना आपका औ, और और हाँ सॉरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग आते थे मेरे पास वहाँ पे हमारे पास एक मोहम्मद साहब काम किया करते थे और वो बहुत इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट है कि ये खाना ज़ाया हो रहा है यार इसको ज़ाया रहे हैं इसको ज़ाया रहे हैं और मैं भी हमेशा इस चीज़ का प्रोपोनेंट था कि यार ज़ाया नहीं होना चाहिए एंड देन आई एक्चुअली फिल्ड इन एन एप्लीकेशन विद कि यार इसको एक्चुअली इंस्टेंट फ्रीज करके इसको हम लोग बाहर भेज सकते हैं उन जगहों के अंदर या ने ने उन फूड बैंक के अंदर विद इन कैनेडा जहाँ पर ये कंज्यूम हो सकता है क्योंकि अगर सौ ग्रेप्स हैं और उसमें से तीन खराब है ना एक पैकेट में तो हमें पूरा पैकेट फेंकना है सोचो सही है वो इस तरह का हिसाब है तो वो कहते थे कि नहीं क्यों कनाडा में लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि अगर कोई खा के साला मर गया ना वो हमें सू कर देगा hmm. हमारे लिए बेटर हम ये जाया कर लें तो खैर ये जो वेरी ऑफ इट लाइक का क्या मतलब कुत्तों को डाल दो जाया तो ना हो या परिंदों को डाल दो जाया तो नाओ लेकिन अगर परिंदों को नहीं डालोगे तो क्या होगा उस खाने के साथ

नहीं पता था <laughs> नहीं <है। laughs> मैंने बोला ना कितनी मासूम <laughs> है <यारी। laughs> जानी आ, yeah. यार जानी तू हुंजा वाटर इज लाइक अल्कोहल यार मैंने बोला ना आई एम द मोस्ट यूज़लेस पर्सन टू आस्क टू क्योंकि मैंने इतना उसको खुद <laughs> अपने सामने एक्सप्लोर नहीं।, नहीं किया क्योंकि <laughs> मुझे ना बचपन से उसको देखा है मैंने अपने सामने तो इट स्मेल्स हॉरिबल

वो इतने इतने बड़े उसमें गया था हाँ, इतने बदले बदले से फटे हाँ। लगे हा, 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 वो डरावना है वो तो हम लोग बोर्ड राउना है वहाँ पे तो एक दो लोग अभी पिछले सालों मर भी तो में हम लोग एक्चुअली जस्ट वीक गए थे ना उसी वीक कोई बंदा गिर के मारा था वहाँ ये, ये वो वाला ब्रिज तो है और बच्चे रोक रहे होते मामा नहीं जाएगी गाड़ी मामा नहीं, 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 नहीं है। गाड़ी, गाड़ी वाला नहीं नहीं है। से लोग चलते सकती ये कच्चा ब्रिज है रस्सियों का बना हुआ है और बीच में गैपे लगे हुए वाला सीन है फ्लोइंग पानी है और वो इतनी तेजी से रहा है इतनी क्या मजबूरी है उसको क्रॉस करने की थ्रिल <laughs> रेल वगैरह के अलावा देखो अभी भी ना हंजा गिलगीत में डेवलपमेंट्स जो हैं वो उस तरह से मुझे मुझे पर्सनल लगता है कि उसको उस तरह से नहीं देखा जाता कि वहाँ पे और क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए बहुत चीज़ें हाँ पैक की वजह से रोड्स बन गए या कोई और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कुछ बेटरमेंट आ गई हाँ बट मुझे लगता है कि इन चीज़ों को देख कर करना चाहिए सिंस टूरिज्म इज इंक्रीजिंग सो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड डू समिंग अबाउट दीज या

दो हजार सत्रह से मतलब क्योंकि पशु में हम लोग uh, मैं परफॉर्मेंस करने गई थी तो वहां पर भी uh, uh, बहुत अच्छे एक शख्स हमें मिले यार ही वॉज ट्रंक

आई थिंक एनर्जी मिलती होगी उनको हमें क्या पता हमें क्या पता हम तो पताइक सुपर व्हाइट आई मे बी बिकॉज ऑफ द लाइट नो 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 ओके दस आई येलो नो यू व्हाइट नो मे लाइक आज

बहुत बेजती हो रही है मैंने तभी कवर कर लिया था मैंने कहा बच्ची भी है बच्ची भी है जो सनी

डॉक्टर के कि उनके तो नहीं, अच्छा, क्या रहा है। आप जब भी वैसे डेंटिस्ट के पास जाओ तो निकल आता है काम ऐसा नहीं कि डेंटिस्ट निकालता हाँ। है आपको पता नहीं होता है अभी भी आपको ऐसे बाहर से सब परफेक्ट लग रहा है बट मेरा पता है क्या प्रॉब्लम है मैं बीच में गई थी एक दिन क्योंकि मेरा अब्बा जो है ना वो आखान में काम करते थे तो वो, वो फिर शिफ्ट कर रहे थे अपनी जॉब तो मेडिकल होता है ना वो यूज करना था मैं hmm. जॉब जा रही तो मेडिकल जो यूज करो जल्दी जल्दी सो आई वेंट टू द द डेंटिस्ट लेट्स जस्ट यूज मेडिकल ही दिखाने गए तो फिर पता गए मैं क्लीनिंग के लिए थी और बाय द वे वहां पे भी आई आई वांट टू ब्रैक मेरे भा... दोनों भाइयों की क्लीनिंग भी मेरी नहीं की इसके दांत तो साफ है बचपन की बात wow. है अलग लेकिन उस दे सो समथिंग दे फेल्ट समथिंग अबाउट माय अबाउट माय टीथ तो फिर उन्होंने एक्सरे किया तो पता चला कि मेरे यहां और यहां के दूध के दांत गिरे ही नहीं है और मैं तब अच्छी खासी टीनेजर थी तो मेरे दूध के दांत यहाँ के गिरे नहीं है तो उस पर उन्होंने मुझे बोला कि इसका आगे जाके आपको निकालना पड़ेगा नहीं भाई <laughs> <निकौलना> <laughs> मैं, नहीं मैं पूरा मुंह तो वाली अब हुआ ये कि दूध के, के क्या जो, जो दाँत है, 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 होते हैं है, है, वो फिर भी आफ्टर दैट अपॉइंटमेंट लेकिन इस साइड के ना इतने जिंदगी अभी भी दूध के दांत मेरे हैं यहाँ पे तो जो परमानेंट दांत है ना उसको निकलने की जगह नहीं मिली तो वो यू निकला है <laughs> <Look at him. laughs> मैं अपना फील कर रहा हूं पता <laughs> नहीं क्यों

और ये शुरू शुरू में हमारे साथ भी होता था जब हम लोग पढ़े होते थे ना। It's तो तो trust deficit, ना हाँ। तुम्हारे घर में अगर कोई एसी ठीक करने वाला आएगा तो तुम उसके साथ डेढ़ छाणी करोगी क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम नहीं करोगे वो तुम्हें बेवकूफ बना के चला जाएगा। हां ये तो हालांकि स्पीकिंग हजार रुपए आपको भी पता है आप यानी हजार रुपए से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेकिन पांच सौ रुपए से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला शायद उसको बहुत पड़े लेकिन आप लड़ते हो वो इसलिए नहीं क्योंकि आप पैसे बचा रहे हो इसलिए क्योंकि आपकी होता है उल्लू ना बना सीधा सीधा शुरू में बोल दो अब एक बॉय आया वो मैंने उसको एक ऐप से बुलाया तो ऐप पे लिखा होता आठ सौ जब वो आया काम करके कहता चार हजार कहा चार हजार हाँ क्या चार हजार तो मैंने कहा भाई चार हजार तो बहुत ज्यादा है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रॉबली पांच सौ रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा क्योंकि ऐप वालों को भी देना होते हैं एंड देन दे जस्ट से कि यार हमें थोड़ा सा ज्यादा तो खैर कहता करते कराते कि नहीं मैंने ये भी ठीक किया मैंने वो भी ठीक किया मैंने ये भी किया मैंने वो भी किया तीन चार चीजें उसने अपनी तरफ से एम ही लगा दी ना लेकिन आई वॉज लाइक कि यार मैं बेवकूफ़ नहीं बन सकता मैं तुझे चार हजार तो दे रहा हूँ लेकिन तू ये समझ ले कि मुझे पता है कि तू मुझे बेवकूफ बना रहा है ना बोलना बाहर जाके कि उल्लू हां यानी तू चार हजार मुझे 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह मियां ने दिया मुझे फर्क नहीं पड़ता ठीक है लेकिन वो जो एक बेईमानी होती है ना लेकिन यार तू बेईमान है मैंने उसको ये एहसास दिलाया जाता है मैंने कहा तू बेईमान है और मैं तुझे आइंदा कभी तुझे बुलाऊंगा नहीं और वो क्या फिर वो कहता है कि नहीं भाई आप, आप पैसे ना ही दें मैंने कहा नहीं अब तुम रखो और अब मैं मेक श्योर करूंगा कि

मुझे कॉल ना कर <laughs> <laughs> ये मैं हम हम लोग हमारे अम्मी अबू बहन भाई है। तुम्हें तो पता क्या हमारे अम्मी अबू <अपु> बहन भाई अब कैसन चला यानी कि योर अबू एंड योर अम्मी सो यू यू आर फूफी की बेटी यस yes. वाओ हम लोग हाउ डिड यू गेट देयर दैट्स अमेजिंग दैट्स अमेजिंग ये हमने इतने गेस्ट्स को अपने फसाया है मतलब यंग जनरेशन को जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको हम है लेकिन मैं इसकी पुप्पो की बेटी हूँ रिश्तेदारियाँ एक्चुअली बहुत मुश्किल है अगर आप बताओ ना कि फलाना के फलाना के उसके उसके बहुत अंकल आठ और अंकल अंकल और हमारे सारे मामू हैं सारे चाचे हैं सारे ताए हैं सारे

कौन सा है बताओ बहन में आता तो जो बहन... बहुत ही मैंने बहुत ही आप सोच भी नहीं सकते आप सोच भी नहीं सकते मैंने कहा से से गाना है अब मुझे नहीं पता तुम लोग बॉलीवुड फिल्म देखते हो फिल्म बहुत ही फारिक फिल्म थी वो ठीक है उसमें वो गाना सुना है मामा आई लव यू भांजी थैंक यू एक गाना है उसमें अनुपम खेर बॉलीवुड उसमें उसमें अनुपम खेर और जूही चावला है देर लाइक मामा भांजी तो मुझे वहां से याद हो गया कि मामू भांजा भांजी होता है क्योंकि उसको मामा कह रही है सो बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग आई ऑलवेज रिकॉल दैट दैट माई रेफरेंस ये वाला रेफरेंस बहुत ईजी है कि जो बहन में नून आता है तो वो भांजी और भांजा वो लाइक बहन हाँ के हुए और जो भतीजा है उसमें नून नहीं आता भाई में नून <laughs> नून नून नहीं, नहीं आता नून आ, अब आप लग भांजी है ये मेरी या भांजा है तो नवासा हाँ से आया नवासा अरे तो, नवासा नानी तो, नानी से नवासा तो है ना नानी। नानी से नवासा दादी से आया पोता पोता तो पोते से क्योंकि नून नहीं आया उसमें नो 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 साड़ाला हम जुल्फ क्या होता है अब साली का मियाँ मिया साड़ू साली तो गाली है <laughs> <laughs> रिश्ता भी है ओ हां सो एक मिनट आपकी वाइफ की बहन है

यार कभी कभी हाँ, अच्छा, साढ़ किस में किस अच्छा हाँ वो काजू बोलती है हाँ। 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 जो दो दमाद होते होते हैं हैं ना वो वो आपस में वही वो वो काज वो हाँ, तो दोस्त होता है लेकिन। नहीं वो हाँ, दोस्त होता हम साथ कर रहे हैं ना सफर ट्रैवल कंपेनियन भी वही होगा ना हमसफर ही होगा अच्छा दो दोस्त तो, हो गया पचास, पचास। अच्छा, <laughs> र... क्या, क्या, क्या? इंटरव्यू ले रहा होता है, के, के रेट्स बहुत गए आ, है तो आप लोग पब्लिक से जाके ना तो उसको एक आंटी मिलती है बहुत इनोसेंट सी तो वो कहता है कि ये आपने प्याज कितने के लिए तो वो कहती है मैंने इतनी महंगाई हो गई मैंने प्याज लिया है एक सौ

ट्रेन से जाने वाली है कराची से लो आपकी क्या बात करता हूँ दो होती है वो आपस में क्या होती है देव अच्छा देवरानी कलेक्टिव देवरानी डिपेंड करता है ना की एक जेठानी भी होता है बड़ी वाली बड़ी जेठानी होती है जो छोटी वाली छोटी और जो उन दोनों की उन दोनों के की बहन होती है वो नंद होती है और जो उसका शोर होता है वो नंदोई होता है Bro, just fuck that. Yeah, you Nandoi <laughs> <नंदोगी laughs> <laughs> और, और अच्छा रकीब का पता है किसी को? हाँ, रकीब से आ, लकीर का फकीर रकीब से जो आपकी एक्स होती है नो no, रकीब जो, रकीब रकीब लाइक नो नो रकीब इज लाइक मेल like, सौतन हाय सौतन कौन है सौतन क्या होती है मुझे क्या पता सौतन भी नहीं पता साइड चेक

<laughs> hey, Sautan, come over here. Imagine, hey, bro, oh, that's so sexy. That's so sexy. That's so amazing. I think we should now drop Aha, this topic. Okay, anyway. That's so sexy. Sautan, come here. Tell me in English. Shikva, so, uh, answer Shikva. Before we end the podcast, yeah. we'd actually like to know about Shikwa. Uh, like, I want you to really break down the song for me. Like, I'm actually a huge yeah, I'm fan. Why did I feel like i <laughs> यार यार क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि उस नहीं पूरा नहीं पूरा चलो आपका वैसे तो मुझे इस, इसलिए नहीं कि मैंने गा गाया है क्योंकि मुझे भी गाने के बाद नहीं पता था कि मैं क्या करके आई हूँ वन आई सॉ द फाइनल थिंग सो आई कुड नॉट बिलीव माई आईज के वो इतना एक बड़ा कलाम है जो मतलब अल्लाह ने करवा दिया तो एंड आई थिंक माई फेवरेट पार्ट अच्छा मेरा फेवरेट पार्ट पता है जवाबी है क्योंकि जवाब शिकवा फॉर शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा सेट पर आ, मैं आ, क्योंकि जब मैं जैम करती थी तो मैं शिकवा जैम कर रही थी जवाब शिकवा मेरा कोई काम नहीं था तो जवाब शिकवा मैंने सुना हुआ भी नहीं था फॉर मी ऑल्सो उस ऑन द स्पॉट मैं ऑडियंस बन गई थी और मैं जवाब शिकवा पूरा सुन रही थी मेरा जब शिकवा हो गया और जब फरीद लोग आए

और लिटरली आई गूज गम्प एंड देन आई लेटर वन आई वॉज विद माई ब्रदर तो मैंने उसको सुनाया मैं और अन बहुत हम लोग के अंदर बहुत ज्यादा तो जब अयन ने वो सुना ना अन हैड गूज्स इज वेल क्योंकि wow. जब वो

कि लोग जब ये रिलीज हो तो लोग बोले किस को किस फारिक लड़की को खड़ा कर दिया इनके सामने मैं लिटरली उस सोच से डर डर के मैं उनके ऑपोजिट खड़ी होके रही थी बट इफ uh, आई ब्रेक डाउन जवाब शिकवा शिकवा जवाब शिकवा सो शिकवा अगर आप उसकी डीप मीनिंग में जाए ना तो एक्चुअली आपको बहुत हिम्मत चाहिए ऐसी चीज लिखने के लिए पता नहीं इकबाल के अंदर कहां से हिम्मत आई आईबाल ऑल्सो नो 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 तो सो आई मीन उसमें इस तरह की बातें हैं कि जिसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम मुसलमानों की वजह से आपकी पहचान है hmm. वरना कौन आपको जानता ये एक ऐसा थॉट है कि मेरे रोंगटे खड़े होते थे, थे मैं कहती थी ये मुझसे गवार है कल को लोग मुझे गोली से उड़ा देंगे हाँ, तो हाँ, वो इत, इतना एक थॉट प्रोवोकिंग लेकिन ये सोचे हमारे दिमाग में आ भी नहीं सकता हाँ, पता नहीं कहाँ से सोचते थे क्या सोचते थे जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मतलब आपसे पहले तो लोग पत्थरों को पूछते थे हाँ दरख्तों को सजदा करते थे हमने आपको पहचान दी बट दे रोड जवाब शिकवा तो वो और नेक्स्ट लेवल हो गया जिसमें फिर शिकवा जवाब सेपरेटली या सेपरेटली पहले शिकवा लिखा पहले शिकवा लिखा उसके फिर आई थिंक दो

हमारा निजाम इस तरह हुआ हुआ है कि हम लोगों को सवाल नहीं करने देते भाई आपको पता तो होना चाहिए ना कि वाई अब आप अगर किसी से प्यार करते हो तो उसके बारे में जानो अंधा ईमान क्या फायदा वो अंधा ईमान कभी भी भटक सकता है प्लस पार्ट वो वाला जो जो आपका पार्ट है कि शिकवाल्ला से खाक दहन है मुझको मुझ के मेरे मुंह में खाक खाकम्बा दहन मेरे मुंह में खाक ना शिखवा खा, खा कम बदहन है, है खा का बदहन है शखवा तो उसमें ये, जब आप है, हाँ, से कम है तो मैं उस पे ना बड़ा ऊंचा गाती हूँ कुछ भी आपकी जिंदगी में मिसिंग है तो फिर आप अल्लाह भैया से कहते हो कि मुझे मेरे मुँह में खाक मुझे माफ कर दे लेकिन शिकवा मुझे है करते हैं ना हम लोग बिल्कुल करते हैं उसके बाद जब फरीद याद साहब का पार्ट आता है ना उस उसपे आप बिल्कुल रुक जाते हो कि मैं दे रहा हूँ hmm. मैं तो देने के लिए आया हूँ yeah. मैं तो दे रहा हूँ तो मैं किस चीज का शिकवा है yeah. थोड़ा सा रुक जाओ रो क्यों रहे हो सर क्यों पटक रहे हो तो आपके अंदर जो एकदम से वो एक जोश आया हुआ था ना कि अल्लाह जी ये क्यों 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 हुआ 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 वो हुआ, ऐसे हुआ। तो It's फिर आप exactly रुक जाते like एक बच्चा अपनी माँ से जो शिकायत कर रहा होता है ना वो उसी तरह है और किस तरह माँ आपसे मुखातिब हो रही है तो हम भी अल्लाह के लिए उनके बच्चे हैं अन हीज लाइक दल्टीमेट क्रिएटर तो आप अगर उसको उस तरह से देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि दर्ज anything wrong about it i mean तो आप अपना समझ रहे हो तभी इतना शिकवा कर रहे हो <coughs> और आगे से वो आपको जवाब दे रहा है आपका हाँ, एक पर्सनल कनेक्शन है सो या इट्स ब्यूटीफुल मुझे लगता है आप उसको जितना पढ़ोगे शिकवा जवाब शिकवा को उतना कुछ ना कुछ हमेशा डिस्कवर होता रहेगा बहुत डीप क्योंकि आप रिलेट करते रहते हो ना साथ-साथ रिलेट करते रहते हो आपको जब आप शिकवा पढ़ रहे होते हो तो आपको लगता है कि अच्छा हां वाकई ये तो सही बात है ना कि ये तो इस तरह फिर जब जवाब आप अच्छा, हाँ, yeah. मतलब आपका क्वेश्चन करना इंसानी नेचर है ना कि आप yeah, सवाल करते भिल्कुल. हो और आप कॉन्शियस हो ये बहुत बड़ी बात yeah. है कि आपको आप आप सोच रहे हो आप जानना yeah. चाह रहे हो इन चीजों के बारे में और फिर आपको जवाब आता है तो फिर आप रुक जाते हो कि, अच्छा हाँ ठीक है मतलब हमें तो इस, तो इस तरह बता दिया ना हाँ

आई थिंक इन अदर प्लेस एज वेल बट मोस्टली इन पाकिस्तान आई विल नेवर गेट दै वर्जन वेर यूर नॉट सपोज टू क्वेश्चन एंड वेर यू आर रिस्ट्रिक्ट आई डोंट कई इस्लाम इज़ देट बिकॉज द रियल टीचिंग ऑफ इस्लाम इज लाइक कि जिसमें आपको एक्चुअली दावत कैसे जाती है वो भी बताया गया है मतलब आप कतलो गारत से और गुस्से से दावत नहीं कर सकते जैसे शिकवा की बात करो यार मतलब मैंने शिक्वा पढ़ा है ठीक है अब नीचे लोग कॉमेंट्स में जब नीचे आ जाओ आप तो वहाँ पर शर्म नहीं आती इतना दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ hmm. मतलब आपका इस्लाम क्या दुपट्टे पे ही शुरू होता है दुपट्टे पे ही ख़त्म होता है मतलब इन्हीं चीज़ों पे ख़त्म होता है मतलब अगर अगर मतलब आपको ये बुरा अगर मतलब वो चीज़ एक्चुअली अल्लाह को बुरी लग रही है तो अल्लाह करेगा ना मुझे गर्क आपको क्या पड़ी है दूसरी बात मुझे होता है कि आ, फिर मेरा फिर ये भी क्वेश्चन होता था अभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि रिसेंटली मैं जब परफॉर्म कर रही थी तो मुझे ये भी पढ़ने से मना कर दिया गया था कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं यहाँ ये ज़, ये यहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं इसका मतलब मुझ पे ना? बैन यानी कि जब आप मोहम्मद मतलब पैगंबर से मोहब्बत करोगे अल्लाह बता रहे हैं कि मेरा पसंदीदा पैगंबर है ये मेरा पसंदीदा शख्सियत है मेरी है अगर इससे वफ़ा करोगे ना तो सब कुर्बान है तुम्हारे लिए एवरी थिंग इज फॉर यू जिसमें वो यही ला मोहम्मद ये वाली बात हुई हुई है ठीक है बट माई पॉइंट इज के आई डोंट नो वाई पीपल डोंट सी द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ अ पर्सन एंड दे वॉन्ट टू जज दैट पर्सन थ्रू देयर अपियरेंस किस तरह हैं मतलब ये ना नाटक कर लो नाटक चलता है हमारे मुल्क में लेकिन इंटेंशनस नहीं चलते तो यहाँ पर मुझे तो आप जिस वर्जन ऑफ इस्लाम की बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी कॉम्प्लीकेटड वे to explain but hmm. i've tried many times to it explain a, it it's a filled up question i mean like the, there's no easy easy way out and there's the no only way is, is is just that i would always say that you have no say in how i you know carry my belief system there, because my a, relation is with god yes, there's a i am answerable psychologist. to him and right. i love my allah yeah. you can't say that you love him more than me because have has their and i'm no one to judge your uh, faith

उसका जो विजन है ना ओवरऑल उसका जो लाइक इंक्लिनेशन है आप आप, आप कह सकते हैं कि वो रिलीजस की तरफ ही है लाइक like, उसकी बातों से लगता है ही डज बिलीव इन द वननेस ऑफ गॉड ऑल दो ब्रॉड मैन अ क्रिस्चन बट लाइक ही इज़ वेरी क्लोज टू आवर अल्लाह एज़ वेल एंड बाई दो क्रिश्चन्स का गॉड और हमारा गॉड एक ही है क्राइस्ट गॉड का ही बेटा है और वो गॉड अल्लाह है ठीक है एनी uh, तो खैर uh, वो उससे इंटरव्यू पूछता है कि What are your religious inclinations? Are you a religious man? Are you not a religious man? And he got really nervous answering that and he got really awkward. And he he said exactly this. I think, quote unquote, he said, that's a very inappropriate thing to ask. Because it's none of your goddamn business. That is the most perfect answer I've ever heard, actually. He's like, none of your business. Yeah. Like what my belief is is none of your business. How I perceive none of your business. Exactly. Okay.

क्रिश्चन होता है और आप मुसलमान होती तो मैं क्रिश्चन हूं मेरे लिए हजरत ईसा जो है वो खुदा है आप अगर मुसलमान हैं आपके लिए अल्लाह खुदा है आपका सच मेरा नहीं हो सकता मेरा सच आपका नहीं हो सकता चाहे हम सारी जिंदगी एक दूसरे को कन्विंस करते रहे क्योंकि जो आपके रिटर्न प्रूफ्स हैं उसमें तो वही चीजें लिखी हुई हैं जो आप बिलीव करती हैं जो मेरे हैं वो उसमें मैं बिलीव करता हूँ तो ये पर्सनल ट्रूथ है हर इंसान के अपने अपने एक घर बनाए हुए हम सबने छोटे छोटे इवेंचुअली एवरीवन इन दिस वर्ल्ड

सो इस्लाम इज अबाउट लव इट्स नॉट अबाउट पॉइंटिंग फिंगर्स बट ऑल वी डू इज पॉइंट फिंगर्स true. कोई हिजाब लेता है तो वो भी लोग दूसरों को अभी अनाउंस करते हैं कि भाई आज से मैं अल्लाह के रास्ते पे. लेकिन देखना उसके सोशल मीडिया पे वो दूसरों को पॉइंट कर रहे होते हैं और आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ आई हेट दैट

इन अप्रोप्रिएट होना चाहिए किसी से पूछना कि आपकी रिलीजियस I mean, like, लोग तो लो के में और भी इतने ज़्यादा मसले हैं कि हम ने की बेसिस yeah. पे लोगों को काफिर और मुसलमान के ख़त खुतबे देना या mm -hmm. uh, फ़तवे देना शुरू नॉट रेट एनीस मूव ऑन फ्रॉमिकल्स टू नो अब

तो, uh, that is you. <laughs> तो जो तब लोग की वो वाली गाली बनी ना वो हमारे ग्रुप की ये वाली गाली बन गई तो ये ये अब सम, अब सब मेरे भी इंस्टॉल हो गई कि तो किसने को कि, कि कि किसको क्या इसने एकदम से ट्रांसलेट किया हाँ। या इंग्लिश हाँ। ये हो गया मिंग्लिश इसने उर्दू और इंग्लिश दोनों मिक्स करके और इस तरह की बना दी तो हमने फिर बहुत एक दूसरे को ना उस तरह कर दिया कि हम लोग बस ये कहते थे कि क्या चल रहा है यार <laughs> Another vocabulary added. <laughs> yeah. Now you'll hear me saying that a lot. <laughs> <laughs> Sounds like very literal. Why make care? You know

Actually, we we have ran out of time. Yeah, we just got so re. carried away. <laughs> we did, but that's you know that's a sign of a good conversation. Yeah, that you I don't agree. have a track of time and you yeah. don't have a track of topic. Mm. That's a very good conversation. I actually not know how much time has passed.

शुक्र है अभी उठा के जब लगाएंगी ना तो सही <laughs> लगाएंगी फिर बात करते करते वो कुछ ऐसे हुआ वो फिर टेढ़ी हो गई मैंने कहा हाय लामिया जी प्लीज गिर जाए गिर जाए गिर जाए वाज टेलिंग मी दिस मैन खैर हुआ भी है <laughs> हां गाना हो जाए गाना चलो <laughs> थोड़ा गला बैठा हुआ है तो ब्रो आप खड़ा कर ले हाँ हमारे <laughs> पास टाइम है <laughs> चलो यार ये, ये एक मूवी का डायलॉग था ये मैं तुम्हें तो बताता हूँ एक दिन मेमोरी से, से क्या इशारे कर रहे हैं यार यार रुको दोस्तों यार तू उठाएगा तू ये गलत बात कर रहा है अभी गलत ना लेके जा क्या इशारे कर डोंट डू मैडली ये वो है ना उसका अजय देवगन का जिसमें वो अंधा नहीं बना होता ब्लैक का रोल कर रहा होता थोड़ा थोड़ा गोलमाल 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 गोल के अंदर के अंदर वो जाके कहता ना कि उसको कोई पकड़ लेता क्यों आपका तो गला बैठा हुआ था कहता हाँ अभी खड़ा हो गया हाँ। हाँ। तो ये वहां से है बट एनीट प्लीज गो ऑन सीरियस गाना होगा हाँ, हाँ, हाँ. थोड़ा फील्स में आ जाओ पार्टनर मजाक नहीं करना अभी

क्यों मजियाकार बनू सूद फरामोश रहूं फिक्र फरदान करूँ महविगमें दोष रहूं नाले बुल बुल के सुनू हाँ। नाले बुल बुल के सुनू और हमतन गोश रहू हम नवा मैं भी कोई गुल के खामोश रहू जुरता मो जुरत मोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको जुरत मोज मेरी ताब सुखन है मुझको जुरत मोज मेरी ताब सुखन है मुझको शिकवा अल्लाह से ख़ा कम बदहन है मुझको शिकवा अल्लाह से खा कम बदहन है मुझको शिकवा अल्लाह से ख़ा कम बदहन है मुझको शिकवा अल्लाह से ख़ा कम बदहन है मुझको हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंजर कहीं मसूद थे पत्थर कहीं मबूद शजर खूब गरे पैकर महसूस थी इंसान की नजर मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर क्यों कर क्यों कर क्यों कर तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा कुवते कुवत मुस्लिम ने किया काम तेरा कुवत बाजू ने किया काम तेरा Oh my god, no. This was for you guys. <laughs> I'm actually out of words. I think it's okay to cry at this point. Yeah, you cry. Oh my god. I'm actually, you're, you <laughs> have a <laughs> very magical <laughs> voice. Thank you. I think all thanks to Allah, I would say. <laughs> I don't know. <laughs> but yeah. Wow. I mean, He gave me this capability. और जब मैं भी गाती हूँ कोई मुझे ऐसा कुछ कहता है तो मुझे खुद अजीब लग रहा होता है कि how this is happening but I think it's because of no you're so talented sure. your personality is amazing thank but you guys are more like I really us really... than any celebrities so really? that's good yes. <laughs>

Best Shavi, this is the best interview I ever had because I, I, <laughs> I got go to e see the reaction. First reaction <laughs> aapko mila. I love it. Bro, I honestly I I am literally in love with your personality. You're Thank an amazing you. person. Thank you so much you for guys actually are amazing. honoring us with your existence on this set right now. You don't understand what Shikva Jababi Shikwa means to me and what you coming over here and actually you know just blessing us with your presence over here means to me. <laughs> but no, thank you so much, no. guys. I had a great time. Thanks. Yeah. I'm glad. I'm glad. Ladies and gentlemen, this was the podcast. Hopefully, I'm going to be able to enjoy it. We have found a boy. <laughs> we have found our our dude. <laughs> so we're gonna we're gonna call her again, obviously. Because there's actually a lot of topics that we didn't discuss that we have had in our mind, yeah. including. I would, love, I would love to come again, yeah. Yeah, yeah dude. You guys are fun people. Yeah, yeah Thank you. <laughs> uh, Sundas, thank you so much for uh, making hey, time thanks, for this podcast. <laughs> mujhe ne is, uh, I think Sundas is podcast I um, Haan, mein hu, it's all about the vibe. Na, oh, chyo, Zodiac? Libra. Libra? I'm a Capricorn. क्या है आप Sagittarius. Sagittarius. <laughs> Sagittarius. <laughs> से क्या हैं यार याद नहीं आ रहा था, <laughs> like था। <laughs> 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 मतलब आने वाली है बर्थडे <laughs> गुजर गई <गे>? गुजर गई <laughs> हाँ. कौन सी थी वो, वो गुजर गई डेट वेट ट्वेंटी बर्थ डे टू यूजर नो थैंक यू सो मच वॉन्स अगेन पार्टनर थैंक यू मेरी जान

kya le mushkil kaha okay. jai kya jao mai jai kvar kaha hai allah yeah. maaf kare okay. hai anyways thank you so much once again ladies and gentlemen and we will as always catch you in the next the one the next one allah hafiz Peace bye bye, bye.